हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ बच्चे, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन वो शुरू करने वाली हूँ, जिसमें बेटा हम आज का सबसे पहले आपका टॉपिक उठाएंगे, व्हाट इज़ रिलेशन, कि रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले हम रिलेशन को समझेंगे अच्छे से, रिलेशन के ऊपर वर्क करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा रिलेशन में है क्या, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन को समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा आपको रिलेशन को समझने से पहले। ठीक है, किसको समझना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा आपको रिलेशन को समझने से पहले। ठीक है, किसको समझना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो अब देखो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में है क्या, मान लो हमारे पास, लेट वी हैव टू सेट्स, मान लो हमारे पास टू सेट्स हैं, लेट वी हैव कितने सेट्स हैं हमारे पास, लेट वी हैव टू सेट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, एक सेट का नाम ए है तो दूसरे सेट का नाम मेरे पास बी है। लेट वी हैव टू सेट्स, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये इक्वल टू किसके हैं, इसको ऐसे करली ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे पेयर वाइज एलिमेंट लगा दो ए कॉमा बी। ठीक है, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई आपको बात, तो उसको बोलते हैं रिलेशन, रिलेशन नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब मेरी बात समझो, पहले तो आपके पास दो सेट होने चाहिए, एक सेट ए होना चाहिए एक सेट बी होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी डाला जाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या डाला जाता है, ए क्रॉस बी डाला जाता है, जिसमें पेयर वाइज एलिमेंट आते हैं ए कॉमा बी, सच दैट ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है एंड बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को बोला जाता है रिलेशन। मान लो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ये बना ली अच्छे से, अगर मैं आपको ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके बताऊं, मान लो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए वन कॉमा बी वन, जिसमें ये एलिमेंट हैं ए वन कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू, ठीक है ए थ्री कॉमा बी थ्री, ठीक है ए फोर कॉमा बी फोर, ये मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली। ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक सबसेट उठा लूँ, इसका क्या उठा लूँ, एक सबसेट उठा लूँ। ठीक है, इसका सबसेट कौन सा उठा लूँ, मान लो मैंने इसमें से एक सबसेट उठा लिया, कौन सा सबसेट उठा लिया, ठीक है सबसेट उठा लिया, ठीक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें मैंने एलिमेंट रखे ए टू कॉमा बी टू एंड ए थ्री कॉमा बी थ्री। ठीक है, तो ये मैंने दो एलिमेंट रख लिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा, ये सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूँ तो रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ, रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है क्या, रिलेशन। समझ में आई आपको बात। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिलेशन थोड़ा सा समझा दिया है। अब जो रिलेशन है, रिलेशन की टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन। मैं आज आपको रिलेशन की क्लासिफिकेशन समझाती हूँ, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन के बारे में आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में सबसे पहले है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले होता है सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप आपकी आएगी किसकी, सेकंड टाइप आपकी आएगी सिमेट्रिक बेटा गलत हो गया, ये सेकंड टाइप है, फर्स्ट आपकी रिफ्लेक्सिव आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपकी आएगी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है,
एंड थर्ड आपका आएगा बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। थर्ड आपका क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये तीन टाइप्स होती हैं। वैसे तो एक और होती है, दैट इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक। ओके, मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगी कि कौन से टाइप कहाँ पे क्या वर्क करती है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैं आप सबसे पहले अब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ रिलेशन, एक रिलेशन है आर नाम का, ठीक है। रिलेशन को हम आर से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर से। तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मैं कैपिटल आर कहाँ से उठा के लेके आई हूँ। बस रिलेशन जो भी बनेगा उसको हम कैपिटल आर से लिख देते हैं। कैपिटल आर रिलेशन जो है, कैपिटल आर इन आ सेट, एक सेट कैपिटल ए में, रिलेशन कैपिटल ए में किसी सेट में बना हुआ है ना। रिलेशन के लिए कोई सेट तो चाहिए ना आपके पास। तो इज सेड टू बी, इसको मैं क्या बोलूँगी, टू बी रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगी, अब ध्यान से समझो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगी अगर हर एक सेट में आने वाले एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे। यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आपका, किसको, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए वो हर एक एलिमेंट के लिए जो आप ए सेट से लेके आए हो, ठीक है। मतलब ए बिलोंग्स टू ए, उस आर रिलेशन में आना चाहिए। बात समझो मेरी, मैंने क्या बोला, एक रिलेशन है आर इन आ सेट ए, किसी सेट ए में बनेगा ना रिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी बोलेंगे अगर ए कोमा ए आर को, यानी कि ए कोमा ए आर को बिलोंग करता हो और उन सभी एलिमेंट के लिए जितने ए कैपिटल ए में होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, इसको ना फॉर ऑल बोलते हैं। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉर ऑल बोला जाता है, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ है आपकी, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है, ठीक है। ये आपने सेट्स में सिंपल करे हैं जब मैंने आपको इलेवंथ क्लास में सेट्स करवाया था, ठीक है। इसकी वीडियोस भी पढ़ी हैं, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली इफ का कंडीशन होता है जिसमें कन्वर्स कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आप देखो बेटा आगे, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का ये हो गया। जैसे अब मैं आपको एक सेकेंड टाइप समझाऊँ तो वो है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का समझना, ठीक है। इसमें सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपने भी। ए बिलोंग्स टू ए, आर में आना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखवाने बैठूँ तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। अ रिलेशन, एक रिलेशन जो है आर नाम का किसी सेट में बना हुआ, इन अ सेट ए में बना हुआ, इसको मैं क्या बोलूँगी, इज अ सिमेट्रिक, इसको मैं सिमेट्रिक बोलूँगी। यानी कि अगर हम कोई रिलेशन ले रहे हैं वो किसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर बना हुआ है तो उसको मैं सिमेट्रिक कब बोलूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है। अगर ए कॉमा ए तो आर में है, ए कॉमा ए तो आर में है, ऐसा एलिमेंट तो हमें आर में दिख रहा है। देखो कि क्या उसका उल्टा एलिमेंट आर में पड़ा है, ठीक है। अगर उल्टा एलिमेंट भी आर में पड़ा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए वन कोमा ए टू, यानी कि आप जितने भी ए वन ए टू नाम के एलिमेंट सेट ए में से ले रहे हो उनका सीधा पेयर तो आर में पड़ा ही होना चाहिए, साथ साथ उनका उल्टा पेयर भी आर में पड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर 1.2 आर में पड़ा है, इट इम्प्लाइज, तो 2.1 अगर आर में पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो आगे, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखवाऊं तो अ रिलेशन, वो रिलेशन जो है आर नाम का इन आ सेट ए, जो सेट ए के ऊपर बनेगा, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, उसको मैं ट्रांजिटिव बोलूंगी। उस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगी, ट्रांजिटिव बोलूंगी इफ अगर ए वन कॉमा ए टू किस में आए, आर में आए, एंड ए टू कोमा ए थ्री
आर में आए, इट इम्प्लाइज तो क्या ए वन कॉमा ए थ्री भी आर में आएगा, फॉर ऑल ए टू ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए। ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपने एक रिलेशन ले लिया, उस रिलेशन में ए वन का ए टू के साथ लिंक भी पड़ा है, ए टू का ए थ्री के साथ लिंक भी पड़ा है। क्या ए वन का ए थ्री के साथ लिंक पड़ा है? अगर ए वन का ए थ्री के साथ लिंक पड़ा है तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे वन का टू के साथ रिलेशन है, ठीक है, टू का थ्री के साथ रिलेशन है, तो क्या थ्री का वन के साथ रिलेशन है? मेरी बात समझे, वन का टू के साथ रिलेशन है, टू का थ्री के साथ रिलेशन है, क्या सॉरी वन का थ्री के साथ रिलेशन है? अगर वन का थ्री के साथ रिलेशन है तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में यही करा जाता है, ठीक है। तो आगे बचा वो है आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, एक रिलेशन होगा, ठीक है, एक रिलेशन होगा आर नाम का इन आ सेट ए, किसी सेट पे बना हुआ इस सेट टू बी, उसको मैं क्या बोलूँगी, एंटीसिमेट्रिक बोलूँगी। कब? इफ अगर ए वन कोमा ए टू ए को बिलोंग करता हो, सॉरी आर को बिलोंग करता हो, ए टू कोमा ए वन बी आर को बिलोंग करता हो, इट इम्प्लाइज ए वन और ए टू आपस में इक्वल होने चाहिए। तो एंटीसिमेट्रिक का क्या मतलब मीनिंग है, एक रिलेशन है आर किसी सेट के ऊपर बना हुआ है, उसको मैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोल दूंगी। अगर ए वन ए टू आर में है, उसका उल्टा ए वन ए टू ए वन भी आर में है, लेकिन ए वन और ए टू क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो वो रिलेशन आपका एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लो, मैं एक बार सभी के ऊपर कैमरा घुमा रही हूँ, ज़रा चीज़ों को ध्यान से ईजी वे में समझ लो, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपका जो है डन कर रही हूँ ये टाइप्स, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम आपके उठाने वाले हैं। थैंक यू बच्चे।